हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। अगर इन जनरल मैं आपसे कहूं कि आज के टाइम में अगर हम बात करें गोल्ड की, या बात कर लीजिए सिल्वर की, म्यूचुअल फंड्स की बात कर लीजिए, या आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, किसी भी आप रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि धुआंधार काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। अगर आपने मार्च 2020 में पैसा लगाया होता दोस्तों, जब लोअर था, तब से आपका पैसा अभी तक डबल हो गया होता, क्योंकि काफी ऐसे शेयर हैं जिन्होंने डबल रिटर्न कर दिया है, काफी अपना पैसा डबल कर दिया है। तो नाउ माय क्वेश्चन इज दोस्तों, क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड या सिल्वर गोल्ड क्या हमेशा ऐसा रिटर्न देते रहेंगे? क्या हमेशा ही आपका पैसा डबल करते रहेंगे? नॉट पॉसिबल दोस्तों। वहीं बात करूं, हम में से कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी हैं दोस्तों जो हमेशा इन रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में पैसा नहीं लगा सकते, यानी उनको चाहिए होता है कि एक सर्टेन अमाउंट उनके पास आता रहे, वो एक फिक्स अमाउंट लगा दें और एक सर्टेन पैसा उनको मिलता रहे। तो इनको बोलते हैं दोस्तों हम नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। अब अगर नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की बात करूं, तो सबसे पसंद किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है दोस्तों? आप वही सोच रहे हैं जो मैंने सोचा है, दैट इज बैंक एफडी, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें दोस्तों, तो रिटर्न तो काफी कम हो गया है कुछ टाइम में, पर स्टेबल है। जिन लोगों को चाहिए कि हमें स्टेबल मिल जाए, हमको स्टेबिलिटी के संग मिल भी रहा है। नाउ द पॉइंट इज दोस्तों, काफी लोगों को नहीं पता कि बैंक एफडी जो आप कराते हैं उस पर आपको रिटर्न तो स्टेबल मिल ही रहा है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आप उससे टैक्स भी बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टैक्स सेविंग एफडी की। अब अगर एफडी पे मिलने वाले रिटर्न की बात करें, तो हम में से कुछ लोग जानते हैं कि आज के टाइम में कम करके उसे 5.5-6% तक कर दिया है, पर आज भी बहुत सारे एनबीएफसी हैं, बैंक हैं, जो काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और 8-9% तक आपको रिटर्न दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था टैक्स सेविंग एफडी की। तो दोस्तों, टैक्स सेविंग एफडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। रेगुलर एफडी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा, वो आप ध्यान रखिए, और जिससे आप डबल बेनिफिट ले सकते हैं। एक तो आपकी रिटर्न स्टेबल रहेगी, रिस्क नहीं रहेगा, साथ ही साथ आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं कि एज ए इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर साथ ही साथ HUF टैक्स सेविंग एफडी करा सकते हैं किसी भी बैंक में जाके। मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए दोस्तों? 100 रुपए से आप ये एफडी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम अमाउंट है दोस्तों, आपको 80C सेक्शन में 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा, तो आप 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों, इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट इस पर रेगुलर एफडी से थोड़ा ज्यादा मिलता है। उसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि इसमें 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, यानी अगर आज मैंने एफडी करा दी तो अगले 5 साल तक मैं इस एफडी को तोड़ नहीं सकता, 5 साल की आपका ये पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तभी जाके आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों, इंटरेस्ट की बात मैं आपसे कर रहा था, इंटरेस्ट ज्यादा तो मिल रहा है, पर ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, यानी आप समझिए, आपने अगर 1 लाख की एफडी कराई तो जो 1 लाख का अमाउंट है वो आपको 80C में बेनिफिट मिल जाएगा, पर उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगी हर साल वो आपकी टैक्सेबल होगी, यानी जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसमें वो इंटरेस्ट जोड़ी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, TDS के बारे में भी बता देता हूं। अगर आप 60 ईयर्स से कम है तो 40,000 से ज्यादा अगर आपकी इंटरेस्ट मिलती है तो आपका TDS डिडक्ट होगा इस पे। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए में 50,000 है कि 50,000 के ऊपर उनको TDS डिडक्ट होगा। आप चाहते हैं दोस्तों TDS डिडक्ट ना हो, तो उसके लिए आप 15G या 15H फॉर्म भर सकते हैं, उसका वीडियो अलग से बना रखा है 15G 15H क्या होता है, लिंक पर वीडियो है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ दोस्तों, जो रह गई है इससे रिलेटेड, इस पे आप लोन नहीं ले सकते, इसको आप गिरवी नहीं रख सकते। बाकी एफडी पे आप लोन ले सकते हैं, पर टैक्स सेविंग एफडी पे आप लोन नहीं ले सकते। तो आई होप आपको एक आइडिया हुआ होगा कि टैक्स सेविंग एफडी क्या होती है, कितने अमाउंट से शुरू होती है, इस पे इंटरेस्ट कम या ज्यादा मिलता है, और उसके कुछ फीचर्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि उससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।